So let us start with our today's topic, that is dumping. What is dumping? Dumping ये generally हम लोग कहते हैं कि goods को artificially goods का shortage create करना, so that the producer or the seller can increase the prices of that particular product. लेकिन हम लोग जब इसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम लोग dumping के बारे में बात कर रहे हैं, that is discriminatory monopoly pricing. इसमें क्या होता है, the practice of discriminatory monopoly pricing in the area of foreign trade is described as dumping. फॉरेन ट्रेड के इसमें जो हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग पॉलिसी अडॉप्ट की है, ये डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग पॉलिसी हम इसलिए अडॉप्ट कर सकते हैं बिकॉज वी हैव मोनोपोली इन डोमेस्टिक मार्केट. जब हमें मोनोपोली है डोमेस्टिक मार्केट में, तो ही फॉरेन मार्केट के लिए अलग से प्राइसिंग पॉलिसी और डोमेस्टिक मार्केट के लिए अलग से प्राइसिंग पॉलिसी हम लोग फॉर्मुलेट कर सकते हैं. इट इम्प्लाइज डिफरेंट प्राइसेस इन द डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट्स. ये क्या शो कर रहा है, डिफरेंट प्राइसेस. डोमेस्टिक मार्केट में उसकी प्राइस अलग होगी और फॉरेन मार्केट में उसके प्राइस अलग होगी. कौन से प्रोडक्ट के सेम प्रोडक्ट रहेगा लेकिन उसकी प्राइस दोनों भी मार्केट में डिफ्रेंशिएट होगी. हमने मोनोपोली मार्केट में देखा था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, उसमें देखा था मार्केट को हम लोगों ने बाइफरकेट किया था. किस बेसिस पे किया था हमने, ज्योग्राफिकल बेसिस पे किया था हम लोगों ने, उसे टाइम बेसिस पे किया था हमने, एज बेसिस पे किया था, पर्सनल बेसिस पे किया था. यहाँ पे हम लोग जो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं प्राइसेस ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन मार्केट एंड डोमेस्टिक मार्केट. हार्टर जो है उन्होंने डिफाइन किया है डंपिंग को. वो कहते हैं डंपिंग एज द सेल ऑफ गुड अब्रॉड एट अ प्राइस विच इज़ लोअर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेम गुड एट द सेम टाइम सर्कमस्टेंसेस एट होम टेकिंग अकाउंट ऑफ डिफरेंसेस इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. हाबरलर जो है उन्होंने डिफाइन किया है डंपिंग को. उन्होंने ये कहा है जो गुड्स हम लोग अब्रॉड में सेल कर रहे हैं वो ये प्राइस पे सेल कर रहे हैं जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में जो हमने प्राइस रखी हुई है उससे कम प्राइस में हम लोग उसे अब्रॉड में सेल कर रहे हैं. सेम गुड्स को बोला है सेम सर्कमस्टेंसेस प्रिवेलिंग है एट होम टेकिंग इन टू अकाउंट ऑफ डिफरेंसेस इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. सिर्फ हम लोग किस में चेंजेस देख कौन से कॉस्ट को कंसिडर करें, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कंसिडर करें. अंडर डंपिंग अ प्रोड्यूसर पजेसिंग मोनोपोली इन द डोमेस्टिक मार्केट. मैंने आपको कहा कि डोमेस्टिक मार्केट में जिसकी मोनोपोली है वही डंपिंग कर सकता है. फॉर हिज प्रोडक्ट चार्जेस अ हाई प्राइस टू द डोमेस्टिक बायर्स एंड सेल्स इट एट अ लो कॉम्पिटिटिव प्राइस इन अ फॉरेन मार्केट्स. वो डोमेस्टिक मार्केट में अपने प्रोडक्ट की प्राइस कैसे कर रहा है, हाई कर रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक बायर के पास कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है. दैट मीन्स दे हैव टू परचेज दैट प्रोडक्ट इवन दो दे हैव टू पे द मोर प्राइसेस. बराबर है, प्राइस ज़्यादा भी पे करनी पड़ रही है तो भी उनके पास अल्टरनेटिव नहीं होने की वजह से जो डोमेस्टिक बायर्स है दे आर परचेसिंग हिज प्रोडक्ट्स एट हाई प्राइस. और ये वही गुड्स को है फॉरेन मार्केट में लो प्राइस पे, दैट मीन्स लो कॉम्पिटिटिव प्राइस पे वो सेल कर रहा है. रिवर्स ऑफ डंपिंग इज अ सिचुएशन इन विच अ प्रोड्यूसर चार्जेस अ लो डोमेस्टिक प्राइस एंड हाई फॉरेन प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट. इसके अपोजिट डंपिंग के रिवर्स क्या होता है, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे प्रोड्यूसर जो है होम मार्केट में या तो हम लोग जिसे कहते हैं डोमेस्टिक मार्केट में उसकी प्राइस कैसे कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और फॉरेन मार्केट में उसकी प्राइस जो है वो हाई कर रहे हैं. अब इसके पीछे कुछ रीज़न तो होना चाहिए, कुछ सेंस तो होना चाहिए, रैशनल तो होना चाहिए. तो क्या है रैशनल बिहाइंड डंपिंग, वो देखते हैं. वो ये है कि इट एनेबल्स द एक्सपोर्टर टू कॉम्पीट इन द फॉरेन मार्केट. देखिए, हमें अगर फॉरेन मार्केट को कैप्चर करना है, अगर वहाँ के मार्केट के साथ हमें कॉम्पीट करना है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू रिड्यूस अवर प्राइसेस. अगर प्राइसेस हम लोग वहाँ पे जो प्रिवेलिंग प्राइसेस है उसके कम प्राइसेस पे हमारे प्रोडक्ट सेल करेंगे तो ही हम लोग वो मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं. कई बार तो हमें अपनी जो प्राइस है वो यानी जो फॉरेन मार्केट में हम लोग जो प्राइस रख रहे हैं वो बिलो कॉस्ट, यानी हमें जो कॉस्ट आ रही है वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए उससे भी कम प्राइस पे हमें वो प्रोडक्ट वहाँ पे सेल करने पड़ सकते हैं. और ये जो डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है, टू मेकअप द डेफिशिएंसी इन सेल्स रेवेन्यू बाय चार्जिंग हाई प्राइसेस टू द होम बायर्स,
डिफिशेंसी हम लोग रिकवर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जो होम बायर्स है, डोमेस्टिक बायर्स है, उन लोगों को हम लोग हाई प्राइसेस चार्ज करेंगे सो दैट वी कैन रिकवर द लॉसेस व्हिच वी इनकर बाय सेलिंग लोअर प्राइसेस, दैट मीन्स लो प्राइस दैन द कॉस्ट इन द फॉरेन मार्केट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। In fact, the higher domestic price serves to subsidize a segment of foreign price, which considerably helps to promote exports. जब हमें export को promote करना है तो ये जो हम लोग higher price domestic market में charge कर रहे हैं उसी के वजह से हम लोग foreign market में जो कम price पे sell कर रहे हैं वो compensate हो जाता है। Exported earnings may, however, be made available to promote the ग्रोथ ऑफ होम इंडस्ट्रीज विच अदरवाइज वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। जो एक्सपोर्टेड है यानी जो हमने हमारे यहाँ के जो मोनोपोलिस्ट है उन्होंने जो उनके गुड्स को एक्सपोर्ट किया हुआ है उससे जो अर्निंग्स हुई है वो हम लोग यहाँ पे हमारी जो होम इंडस्ट्रीज है उसके ग्रोथ के लिए, इसके प्रमोशन के लिए हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज ये हमें पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्टेड अर्निंग्स नहीं होती और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डंपिंग पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट करते हैं। मोर ओवर बाय रिजोर्टिंग टू डंपिंग व्हेन द प्रोड्यूसर इज एबल टू वाइडन द साइज ऑफ फॉरेन मार्केट्स फॉर हिज प्रोडक्ट हिज इन्वेस्टमेंट रिस्क आर मिनिमाइज्ड। देखिए हम लोग जब डंपिंग करते हैं और फॉरेन मार्केट में अपने प्रोडक्ट जब हम लोग सेल करते हैं दैट मीन्स वी आर इंक्रीजिंग द साइज ऑफ आवर मार्केट। बराबर है, फॉरेन मार्केट का भी कर रहे हैं और टोटल मार्केट का भी हम लोग जो हमारा साइज है वो वाइडन कर रहे हैं और जो इन्वेस्टमेंट्स हमने की है उस रिस्क को मिनिमाइज कर रहे हैं। रिस्क इज मिनिमाइज यानी क्या, इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या होती है, जो हम लोगों ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम लोगों ने वहाँ पे एम्प्लॉय की है उसको रिकवर करना है। अगर हमारे गुड्स जो है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मार्केट हमारे पास मार्केट नहीं है इसके वजह से वो सेल नहीं हो रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट रिस्क कैसे रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो ये मिनिमाइज करती है व्हेन वी वाइडन द साइज ऑफ आवर फॉरेन मार्केट्स एंड व्हेन ही हैज़ टू लॉन्च लार्ज स्केल प्रोडक्शन he can reap the economics of large scale resulting in cost minimization। देखिए जब हम लोग लार्ज स्केल प्रोडक्शन, अभी हमें मार्केट जो है हमारा वाइड हो गया है इसलिए हम लोग लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं और लार्ज स्केल प्रोडक्शन का एक बेनिफिट ये है इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल यानी हम लोग हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस्ड करते हैं। कैसे कर रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन का साइज जो है वो बढ़ गया है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन इट मे बिकम पॉसिबल फॉर हिम टू सेल गुड्स एट अ चीपर प्राइस इन द डोमेस्टिक मार्केट एज वेल। क्या हुआ है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल उसे मिला हुआ है। अभी जो पहले उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो ज़्यादा आ रही थी ड्यू टू, क्यों उसे कम मिल रही थी, ज़्यादा आ रही थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं था। अब मार्केट उसका वाइड हो गया है यानी फॉरेन मार्केट भी उसने कैप्चर कर लिया है तो अभी उसे पॉसिबल हो गया है लार्ज स्केल में वो अपना प्रोडक्शन करे और इस वजह से उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जा रही है और इवेंचुअली जो वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था होम मार्केट और फॉरेन मार्केट के बीच में तो अभी होम मार्केट में भी जो हाई प्राइसेस पे प्रोडक्ट सेल कर रहा था वो अभी लो रेट पे यानी चीपर प्राइस पे ही कैन बी एबल टू सेल हिज प्रोडक्ट्स इन डोमेस्टिक मार्केट। दस डंपिंग इज इसेंस इम्प्लाइज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है कोई भी अगर डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।